हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम नंबर 18। स्टूडेंट्स, सम नंबर 18 एक्सरसाइज नंबर 5.1 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू लैम्डा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू 4x प्लस 1 where x is greater than 0 is continuous at x equal to 0. Mean to say we have to find the value of lambda where we are given this function is continuous at x equal to 0. 0 पर ये वाला जो function है वो continuous दे रखा है, मतलब 0 पर क्या है इस function की left hand limit, left मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ less than 0 है, 0 पर ये ना, ठीक है, तो 0 लेस देन है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगी, अगर 0 ग्रेटर देन है तो ये राइट हैंड लिमिट रहेगी, ये दोनों इक्वल होगी, वाई क्योंकि ये फंक्शन 0 पर क्या है कंटिन्यूस है। इसके बाद हमने क्या करना है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, 1 पर भी हमने कंटिन्यूटी के बारे में बताना है, मतलब ये फंक्शन है जो ये 1 पर कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 0 पर, ठीक है, 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 पर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेचुरल ये बात है कि अगर 0 पर 0 0 0 है ना, ठीक है, इस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ जी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, x अप्रोचेस 0 के ऊपर नेगेटिव साइन f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस f ऑफ x, ठीक है। क्यों हमने क्यों किया लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल, क्योंकि हमें ये फंक्शन था जो f इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा था, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ये वाला फंक्शन 0 पर हमें कंटिन्यूस दे रखा है, अगर ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है तो 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आएगी, x इज लेस देन 0 यहां पर है तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, हाँ जी, लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, h अप्रोचेस 0, 0 माइनस h कर देंगे, f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच 0, यहां पर क्या हो जाएगा 0 प्लस एच हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए, तो यहां पर क्या बनेगा अपने पास एच अप्रोच 0, हाँ जी, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, हाँ जी, एफ ऑफ 0 माइनस एच क्या हुआ माइनस एच ही बन जाएगा ये तो, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या रहेगा एच अप्रोच 0 एफ ऑफ ये एच हो जाएगा राइट। तो 0 पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ जी, ये वाला फंक्शन है x इज लेस देन 0 यहां पर है ना, तो ये फंक्शन लेंगे, क्या है ये फंक्शन लिमिट h अप्रोचेस 0, हाँ जी, क्या हो जाएगा लैम्डा वैसे का वैसे आएगा, ठीक है, x का स्क्वायर करना है, हाँ जी, माइनस h का स्क्वायर कर दो, माइनस h का स्क्वायर, हाँ जी, माइनस में क्या है माइनस में 2 है इनटू में x है, यहां पर हो जाएगा माइनस h, हाँ जी, इस साइड पे क्या रहेगा एच अप्रोच 0, हाँ जी, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है राइट हैंड लिमिट ये बन गई, तो क्या हो जाएगा ये 4h प्लस 1, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहां पर h है, तो लिमिट फाइंड करेंगे अब आप लोग, क्या बन जाएगा ये लिमिट एच अप्रोच 0, फंक्शन हमारे पास क्या है ध्यान से देखो लैम्डा इंटू माइनस एच का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा ये एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इनटू माइनस होगा ये प्लस, ओके, और यहां पर हमारे पास क्या बनेगा ध्यान दो, ये हमारे पास है लिमिट एच अप्रोचेस 0, यहां पर क्या है 4h प्लस 1, ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसकी लिमिट्स फाइंड करेंगे, लिमिट्स के लिए हमारे पास क्या बनेगा ध्यान दो, हाँ जी, फिल करना है यहां पर, अगर एच की वैल्यू 0 फिल करते हैं तो क्या आएगा, हाँ जी, क्या बन जाएगा ये तो बन जाएगा लैम्डा इनटू 0 हो जाएगा ये तो, ओके, जो इसकी लिमिट है इस साइड पे क्या हो जाएगी लैम्डा इनटू 0 हो जाएगी,
और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, मतलब जीरो इक्वल टू वन। ठीक है, ये कैसी कंडीशन आ गई। पहली बात तो ये है कि लैम्डा हमारे पास से रिमूव हो गया, जैसे ही आपने, आपको मालूम है कि जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यू है, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल रखा। क्यों इक्वल रखा, क्योंकि ऐसा करने से ही लैम्डा की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, हुआ ये कि लैम्डा खुद ही जीरो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो क्या जीरो इक्वल टू वन पॉसिबल है, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये कंडीशन तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है कि कहीं जीरो इक्वल टू वन हो। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लैम्डा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लैम्डा की वैल्यू तो यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, मतलब ये फंक्शन बेशक जीरो पर कंटिन्यू है, लेकिन यहां पर जीरो पर अगर कंटिन्यू है तो वहां पर लैम्डा की वैल्यू कोई नहीं है। ठीक है, तो लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट, लैम्डा की वैल्यू नहीं है। अब देखो आपका सेकंड पॉइंट क्या है, एट एक्स इक्वल टू वन, वन पर आप चेक करेंगे कि वन पर व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन, वन पर कंटिन्यूटी क्या रहेगी। पहले तो ये देखो कि वन किस इंटरवल में आता है, इस इंटरवल में या इस इंटरवल में। वन आता है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वाले इंटरवल में, तो फोर एक्स प्लस वन हुआ ना, फोर एक्स प्लस वन क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे, फोर एक्स इक्वल टू वन, हाँ जी, फंक्शन कौन सा है इसके लिए, एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, क्या राइट करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूज फोर एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, इतना ही राइट करना है आपने कि एक्स इक्वल टू वन चेक करना है किस इंटरवल में है, एक्स इक्वल टू वन यहां पर है ना, एक्स इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन सॉरी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो वन क्या है, वन यहीं पर आएगा, क्योंकि वन भी तो फिर ग्रेटर देन जीरो ही हुआ ना। ठीक है, तो वन के लिए ये वाला फंक्शन है फोर एक्स प्लस वन। ओके, तो अगर वन के लिए फंक्शन फोर एक्स प्लस वन है, 4x plus 1 क्या है, polynomial है, और polynomial is always continuous function, तो ये हमारे पास fx क्या होगा, ये 1 पर क्या होगा, continuous होगा। ठीक है, इतना ही लिखना था इसके बारे में, ज्यादा नहीं है कुछ भी, इसमें left right निकालने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है x is greater than 0 के लिए जितने भी नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, सबके लिए एक ही फंक्शन है 4x plus 1, और 4x plus 1 हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी सम को मैं दोबारा थोड़ा रिपीट करूंगा, ध्यान देंगे आप लोग। 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ सम नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ सी हुई है यहां पर, तो लैम्डा इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूज है, और इसके लिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस करना है h, तो 0 माइनस h यहां पर आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस करेंगे तो यहां पर 0 प्लस h हो जाएगा, तो 0 माइनस एच क्या हुआ, माइनस एच, और 0 प्लस एच एच हुआ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये रहा फंक्शन। ठीक है, यहां पर आपने क्या करना है, x की वैल्यू माइनस एच फिल कर देनी है। ठीक है, यहां x की वैल्यू क्या है, माइनस एच है ना, तो यहां पर माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस एच। ठीक है, और लैम्डा बाहर वैसे का वैसे ही, और ये लिमिट भी वैसे की वैसे ही, इस साइड पे ये x इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए है, तो x की वैल्यू h है, यहां मैंने h फिल कर दिया, तो माइनस h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इनटू माइनस प्लस 2h हो गया, बाहर लैम्डा आ गया, इक्वल टू सेम मैंने राइट कर दिया। अब h 0 है, यहां 0 हो गया, यहां 0 हो गया, तो लैम्डा इनटू 0 इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 हो गया, ये 1,
तो लैम्डा इंटू जीरो होता है जीरो इक्वल टू वन। क्या जीरो वन के इक्वल कभी होता है? जीरो वन के इक्वल कभी भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हुआ क्या, हमने करना क्या था और कर क्या दिया, हमने करना क्या था इस सब में, हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमें ये फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा था, ओके। तो लेकिन लैम्डा की वैल्यू तो फाइंड हुई नहीं, क्या हुआ लास्ट में हमारे पास ये रिजल्ट तो कुछ और ही आ गया, ठीक है। करते करते क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर कुछ और ही रिजल्ट आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट, लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर ये हमारे पास जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूज हो, मेरी बात समझा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूज हो इसके लिए लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कोई वैल्यू नहीं है लैम्डा की, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट हियर, राइट। अब वन पर चेक करो, वन पर तो साफ दिखाई दे रहा है आपको एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो कहां पर है, ठीक है, यहां पर है फोर एक्स प्लस वन में है, ठीक है। और वन कहां पर आएगा, वन आएगा इसी इंटरवल में, तो वन के लिए ये वाला फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा ही कंटिन्यूज होते हैं। तो अब चाहे ये वन है, चाहे टू है, थ्री है, डेसिमल में है, 5.5 है, ठीक है, 10.5 है, 12.2 है, मतलब डेसिमल में है, ठीक है, जहां अदर कोई रियल नंबर है, लेकिन वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो यहां वन इस इंटरवल में आता है, तो ये फंक्शन क्या हुआ, वन के लिए कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये वाला सम हमारा कंप्लीट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सम था इसलिए मैंने दोबारा रिपीट कर दिया इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है सम नंबर 18, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसे दोबारा आप रिपीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।